Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, in last video I have discussed with you job application letter writing जो class 12th की board exam में पूछा जाएगा, जो आपके syllabus का part है. Dear, in today's session also I am going to discuss with you at least 2 to 3 questions based on job application letter, जिससे आपकी doubts जो हैं job application letter से related clear हो जाए. तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसे और बेहतर तरीके से. सो डियर लर्नर, इन योर पेपर यू विल बी आस्क जॉब एप्लीकेशन लेटर. आपको एक एप्लीकेशन लेटर पूछा जाएगा लिखने के लिए. उस एप्लीकेशन लेटर में यू हैव टू राइट दैट लेटर अलॉन्ग विद द सी वी और बायोडाटा. उसमें आपको एक सी वी और बायोडाटा भी इंक्लूड करना होगा. तो चलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसे हमें टैकल कैसे करना है और उसे हमें आंसर कैसे करना है सही तरीके से. देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा और आप उसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं. और अगर आपने उसको देख लिया तो यू आर एट द राइट प्लेस. वी आर डूइंग प्रैक्टिस. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप राइटिंग सेक्शन में एक्सपर्ट हो जाएँ और जो सिली मिस्टेक्स यू पीपल आर डूइंग वाइल डूइंग इन द बोर्ड एग्जाम दैट यू मस्ट अवॉइड. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस यू दैट आफ्टर वॉचिंग वीडियो प्लीज़ आप खुद भी लिखें, इसे रफ कॉपी में लिख करके कोशिश करें लिखने की, और ताकि आपको आइडिया लगे कि आप क्या कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं. उसके बाद यू कैन वॉच इट वंस अगेन एंड मैच योर आंसर. राइट, चलिए देखते हैं. देखो, वी आर रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस लुकिंग फॉर अ साइंस ग्रेजुएट फॉर आवर साइंस डिवीजन इन मुंबई. एक पब्लिकेशन हाउस है जो एक साइंस ग्रेजुएट की ज़रूरत है, जिसको फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी एन एडवांटेज. और क्या क्या उसकी एक्स्ट्रा स्किल रिक्वायर्ड है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर स्किल होना चाहिए. अप्लाई फॉर बिफोर 30 अप्रैल. 30 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना है. किसको लिखना है? द पर्सनल मैनेजर न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन वर्ली मुंबई. एड्रेस क्या है? ये एक पब्लिकेशन हाउस है, हो सकता है बुक पब्लिश करते हों. उनको एक ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट की ज़रूरत है, उसको क्या स्किल होनी चाहिए? इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. योर देखो यहाँ पे लिखा है रवि शर्मा 59. आपका नाम क्या दिया? रवि शर्मा 59, सी साइड रोड मुंबई. सी दिस. अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये किसने पढ़ा? रवि शर्मा ने पढ़ा, मतलब आप हैं. ठीक है. आपका एड्रेस है ऑफ 59 सी साइड रोड मुंबई. सी दिस एडवर्टाइजमेंट इन एवरी डे टाइम. एक न्यूज़ पेपर है. एंड डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव. राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन वर्ली मुंबई. आपका नाम रवि है. आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है? आपको अप्लाई करना है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए. आपने कहाँ पढ़ा है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इस जॉब के बारे में? द एवरीडे न्यूज पेपर में. ठीक है. और किसे आप लिखेंगे? आप लिखेंगे पर्सनल मैनेजर. ठीक है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है. हमें कुछ भी अपने अलग से लिखने की जरूरत नहीं. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एड्रेस लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हियर. राइट एंड सी एवरीथिंग इज वर्टिकली पैरेलल और कुछ भी जिगजैग नहीं. तो आप प्लीज़ ध्यान दें, कुछ भी जिगजैग ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड लाइन यहाँ से और थर्ड लाइन, ऐसा कुछ ना करें. आपको हर एक न्यू लाइन फर्स्ट प्रीवियस लाइन के ठीक नीचे से स्टार्ट करनी है. देखिए यहाँ पर लिखा है 59 सी साइड रोड. ठीक, उसके नीचे आप लिखेंगे बांद्रा मुंबई. ठीक है, ये हो गया आपका एड्रेस. आफ्टर दैट आप डेट डालेंगे जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, 26 अप्रैल 2023. फिर आप लिखेंगे द मैनेजर जिसको भेजना है. ये है रिसीवर की पोस्ट. तो द मैनेजर न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस, पब्लिकेशन वर्ली मुंबई. न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन वर्ली मुंबई. अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, इसके लिए आपको कुछ भी वरीड होने की जरूरत नहीं. तो आप यहाँ तक तो मिस्टेक ना करें. राइट, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. यू हैव टू जस्ट वहाँ से पिक करना है और पेस्ट कर देना, लिख देना है. ठीक है. क्या पोस्ट है? साइंस डिवीजन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, आप पोस्ट क्या है, आप एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. राइट, तो आप उसको मेंशन करेंगे सब्जेक्ट में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आप दैट रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, फिर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइज. मैंने आपको बताया कि देखिए जो न्यूज, आप इसको क्रैम कर लीजिए, आप इस लाइन को क्रैम कर लीजिए फॉर फॉरएवर. क्वेश्चन कोई भी हो लिख देना है यही. ठीक है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन एवरीडे टाइम्स. यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम एवरीडे टाइम है, कहीं पे हिंदुस्तान टाइम होगा, कहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, जो भी होगा उसी को पेस्ट कर देना है. डेटेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डेटेड मेंशन करेंगे जिस डेट को आप आज, अगर आज आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके 2-3 दिन पहले की डेट डाल दीजिए. 24 अप्रैल 2023 सीकिंग एप्लीकेशन फॉर साइंस ग्रेजुएट फॉर द जॉब
For the job of an executive, right? For the job of an executive. So I offer my candidature. Candidature का मतलब अपनी application for the same. अब ये आप इसको चाहें तो आप रट ले, क्रैम कर लें माई डियर, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी डाउट ना हो. क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है, वेन यू आर गोइंग टू राइट, हमारी बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि बॉडी सेक्शन को हम स्टार्ट कैसे करें, और यहीं पर हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं. तो इट वुड बी बेटर फॉर यू दैट यू मस्ट लर्न दिस लाइन, परमानेंट रेडीमेड लाइन. यू जस्ट मेमोराइज इट फॉर फॉर एवर. एक दो बार लिख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा. आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम. प्लीज फाइंड इनक्लोज माई बायोडाटा. मैंने अपना बायोडाटा इसे इनक्लोज किया है, या रिज्यूम में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो है वो लिख दीजिए. टू एनेबल यू असेस माई सुटेबिलिटी फॉर द सेट पोस्ट. योर्स फेथफुली, रवि शर्मा, आपका नाम. ठीक है, उसके बाद आप अपना बायोडाटा बनाएंगे. बायोडाटा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद नेम डालेंगे रवि शर्मा, यहाँ पे पूजा शर्मा भी हो सकता है. फादर नेम एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी फेक लिख देंगे कोई इशू नहीं है. एज आप मेंशन कर दीजिए अकॉर्डिंगली. एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th 12th, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब मेंशन कर सकते हैं. परसेंटेज के साथ आप चाहें तो अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा कोई डाउट नहीं कि आप एग्जैक्टली ऐसे ही लिखें. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लिख दीजिए, वहाँ पे लिखा है कंप्यूटर तो आप मेंशन कर दीजिए. PGDCE जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए. डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, राइट. वर्क एक्सपीरियंस आप यू कैन मेंशन सम एक्स, जैसे आप ये पब्लिकेशन हाउस में काम करने जा रहे हैं तो लिख दीजिए कि एडिटिंग का कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, एक साल का एक्सपीरियंस है, दो साल का एक्सपीरियंस है, कहीं भी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद मैटर स्टेटस ऑन मैरिट दिखा दीजिए. अदर अचीवमेंट जो भी आपकी प्रोफेशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश है, कस्टमर डीलिंग, आप कस्टमर डीलिंग भी एक शॉप है, पब्लिकेशन हाउस है, तो आप वहाँ पे मतलब वो स्किल मेंशन करिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन कर देना कि आई एम MBBS. MBBS लिखने का इस पोस्ट से कोई भी दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एज्यूम करेंगे. अब आप ऐसे बहुत सारे होंगे कहेंगे सर मैं तो हूँ नहीं सर, आप फिर कैसे एज्यूम करो. एज्यूम कर लो भाई, बहुत सारी चीज़ें आप एज्यूम कर लेते हो, तो से वाई डोंट यू एज्यूम दिस ऑल्सो. ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि आप इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके अंदर वो सारे स्किल है जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया. फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर का पोस्ट और एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, फिर ये बॉडी पार्ट आप लिखेंगे. राइट, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर इट इज़ हियर इट इज़ एनफ. ठीक है, उसके बाद हाँ, बॉडी पार्ट को 2 से 3 पैसेज, स्मॉल पैसेजेज में डिवाइड कर सकते हैं अगर इफ़ यू कैन. ठीक है, अगर आपके पास डाटा इन्फॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो दैट इज़ एनफ. बट उसके बाद आप बायोडाटा ज़रूर बना दें. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये तो वन क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी कैन सी द सेकेंड क्वेश्चन. देखिए, ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन, आई होप कि समझ में आया होगा. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक और. ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. अब यहाँ पे इन अकाउंटेंट की पोस्ट है, इन पॉइनियर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है हैदराबाद. इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. इनका एडवर्टाइजमेंट कहाँ आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, डेटेड 1st अगस्त को आया था, 2023. प्रिपेयर अ बायोडाटा टू बी इनक्लोज. यू आर निपुन एंड अपर्णा, आपका नाम दिया हुआ है. अब यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डाल दें, अगर एड्रेस दिया है तो एड्रेस मेंशन करें, नहीं दिया है तो आप खुद इमेजिन करके लिख दें. ठीक है, 23 रमन विला, रेस कोर्स रोड, भोपाल. ठीक है, अगस्त 11th 2002. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगस्त 11 भी लिख सकते हैं, 11 अगस्त 2023 भी लिख सकते हैं. फिर आप एक लाइन गैप करेंगे, फिर लिखेंगे द मैनेजर पॉइनियर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद. हो गया, इतना समझ में आया. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वन लाइन की गैप है, आप इसके बीच में एक लाइन का गैप है, इसके बीच के एक लाइन का गैप है. ठीक है, तो यू ऑल्सो कीप इट. फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट है. फिर लिखेंगे सर इन रिस, देखो फिर आ गया वही, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड अगस्त दिस. ये मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको क्रैम कर लो. फिर यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम. आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजिशन मैंसन एबव. आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड एनफ टू एनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी. मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एनएफ है, पर्याप्त है, ताकि मैं अपनी जो ड्यूटी जिस पोस्ट के लिए आपने दिया है इसको मैं आसानी से कर पाऊंगा. आई अटैच्ड हियर विथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट एंड माई बायोडाटा. ठीक है, कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी भी, ये भी लिख सकते हैं, और बायोडाटा को मैं भेज रहा हूँ. इफ़ गिवन अ चांस, अगर मुझे एक मौका मिला, आई मे एश्योर यू सर दैट आई शैल स्पेयर नो पेंस इन द डिस्चार्जिंग माई ड्यूटी. मैं अपनी ड्यूटी को करने में जरा सा भी
लापरवाही नहीं करूँगा, ऑनेस्टली एंड डिओटली आई विल सर्टनली विन द कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपरवाइजर्स, ठीक है, मेरे जो सीनियर होंगे उनको मैं अपने काम से प्रभावित कर दूंगा। थैंक यू योर्स फेथफुली, ठीक है, निपुण या फिर नुपुर, बायोडाटा। इतना समझ में आया कैसे लिखते हैं, यह है बॉडी पार्ट। अब चलिए देखिए, अब देखते हैं कि बायोडाटा, एक और ये बायोड नेम लिखा आपने, निपुण वर्मा, फादर नेम आपने लिख लिया, एड्रेस आपने लिख लिया, कुछ भी फेक अगर नहीं दिया तो कुछ भी इमेजिन करके लिख दो, डेट ऑफ बर्थ राइट कर दो। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th, ठीक है, CA किया इन्होंने, BCOM किया, परसेंटेज लिख दिया, ईयर लिख दिया, कॉलेज चाहो तो कॉलेज भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस जिसको भोपाल सिंस एक्सपीरियंस, इन्होंने एक कंपनी का नाम लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं कोई कंपनी का नाम, ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल जो भी चाहे, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी चाहे वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो लास्ट सैलरी भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आई होप डियर कि आपको समझ में आया होगा कि बायोडाटा जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते कैसे हैं, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो दीज टू एग्जाम्पल हमने देखा, हम एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे और ये होगा लास्ट। देखिए, यू आर चेतन शर्मा, कॉमर्स ग्रेजुएट, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू आर सीकिंग अ सुटेबल जॉब, यू कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया इन्वाइटिंग यू यंग एंड डायनेमिक फ्रेश ग्रेजुएट एज ए सेल्स असिस्टेंट। देखो सेल्स असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, ठीक है, आपने ये पोस्ट कहाँ पढ़ी, ये न्यूज पेपर में पढ़ा है, ठीक है, रेप्यूटेड कंपनी है कोई, अप्लाई फॉर द दिस जॉब बॉक्स नंबर दिस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब आपने अपना एड्रेस डाला C40 अशोक विहार न्यू दिल्ली, फिर डेट डाला, उसके बाद आपने क्या लिखा, द एडवर्टाइजर नंबर, ये देखो ये जो दिया है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट, यही पोस्ट थी, सेल्स असिस्टेंट की पोस्ट थी, आपने यहाँ पे लिखा सर, फिर सेम थिंग, इन रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16 मार्च 2002, रिक्वायरिंग यंग एंड फ्रेश ग्रेजुएट एज सेल असिस्टेंट, ठीक, एज ए सेल्स असिस्टेंट आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम, मतलब मैं अपनी अप्लीकेशन दे रहा हूँ उस पोस्ट के लिए, आई हैव पास माई BCOM ऑनर्स फ्रॉम SRCC दिल्ली सिक्योरिंग, अभी ऐसे भी आप मैंसन कर सकते हो, 75% मार्क, आई एम यंग एंड डायनामिक स्टूडेंट ऑफ 25 ईयर, आई एंजॉय साउंड हेल्थ एंड द प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आई हैव, अब ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने जो बॉडी पार्ट है उसको 2 से 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बातें लिख करके, ठीक है, ये तरीका है अपने बॉडी पार्ट को बड़ा करने के लिखने का, आई हैव रीजनेबल गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश एंड प्रोसेस कन्विंसिंग पावर एंड फाइन कम्युनिकेशन स्किल, आई होप, देखो यहाँ पे हो गया दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा लिख रहा, आई होप दीज फैक्टर मेक मी सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, इफ सेलेक्टेड आई शैल सर्टेनली प्रूव माई सेल्फ वर्दी ऑफ द पोस्ट, और कह रहा है कि अगर मैं सेलेक्ट किया गया तो मैं अपनी काबिलियत को प्रूव कर दूँगा, राइट। अब यहाँ पे बायोडाटा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे बायोडाटा आप इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, आपको बायोडाटा इंक्लूड करना मस्ट है। चलिए वन मोर देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, प्रमोद शुरी, रेसिडेंस अप टू 45 245 तिलक नगर दिल्ली, रीड्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर यंग स्कूल बॉय गर्ल्स टू मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द रिनोन कंपनी इन दिल्ली, ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द सेम, आपको, आप प्रमोद शुरी हो, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, कोई कंपनी है उसमें किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, राइट प्रमोद एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर को लिखो, ठीक है, हैरिसन्स एंड सिम्पसन प्राइवेट लिमिटेड 23 नेहरू नगर पैलेस न्यू दिल्ली, आपने अपना एड्रेस डाला 24245 तिलक नगर दिल्ली, फिर डेट डाला, उसके बाद द पर्सनल मैनेजर, आपने कंपनी का नाम लिखा न्यू दिल्ली, आउटडोर मार्केटिंग असिस्टेंट, इसकी पोस्ट है सर, सेम वही लिखेंगे, इन रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम डेटेड 17 दिस बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इन दिल्ली, आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट, सेम थिंग जैसे आप प्रीवियस लिखते जाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक को लर्न कर लो, कोई भी जॉब अप्लीकेशन लेटर आएगा सब में आप वही अप्लाई कर देना, आई फुलफिल द कैंडिडेट लेट डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आई हैव कंडीशन लेट डाउन, जो कंडीशन आपने एडवर्टाइजमेंट में दिया था मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ, आई हैव माई ओन स्कूटर एंड आई इन्जॉय साउंड हेल्थ गुड पर्सनैलिटी प्लीजिंग मैनर एंड आई हैव रीजनेबली गुड कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, भाई कह रहे हैं कि इनको हिंदी और इंग्लिश आती है, कमांड अच्छा है इनको, आई ऑल्दो आई एम जस्ट 18 हैव फिनिश्ड माई स्कूलिंग फ्रॉम द समर फील्ड
public school just this year, and I have heard a lot about your prestigious company and your product. I think it will be an honor for me to get associated with your esteemed company, and I do assure you my dedicated service and wholehearted cooperation. ठीक है, इसमें इसने बायोडाटा नहीं दिया, लेकिन आप बायोडाटा ऐड करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि लिखना कैसे है बॉडी पार्ट और फिर बायोडाटा कैसे लिखना है. सो डियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. गुड लक एंड गुड बाय.